स्मार्ट एलईडी टीवी कितनी बार वीडियो बना चुका हूँ। सैमसंग स्मार्ट टीवी जो आप लेते हो और आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जैसे कि मान लीजिए नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, यूट्यूब, ये तो एप्लीकेशंस डाउनलोड आते हैं, पर कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होती है। मान लीजिए सैमसंग स्मार्ट टीवी के अंदर आप यहाँ पर जाते हो, इसके ये ऐप्स स्टोर में जाते हो, ऐप्स में जाते हो, इनके अलावा अब 10 एप्लीकेशन तो डाउनलोड है। इसके अलावा आपको और कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, आप कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि उसके अंदर जैसे एप्लीकेशन पे जाते हो, यहाँ पे हम एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमें ये कोई सी एप्लीकेशन, ये फन कोड है, ये वाली हमें डाउनलोड करनी है। हमने इसको क्लिक करा, इंस्टॉल पे गए, जैसे इंस्टॉल पे यू नीड टू साइन टू सैमसंग अकाउंट, डू यू वांट टू साइनिंग, आपको डाउनलोड करने से पहले सैमसंग का अकाउंट बन चाहिए। उसकी 10 वीडियो बना चुका हूँ अब तक, फिर भी बार बार कमेंट आता है, अब लास्ट बार बना रहा हूँ, इसके बाद नहीं बनाऊंगा, कि सैमसंग के अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, सैमसंग की जितनी भी टीवी सब में एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड होती है, ठीक है, याद रखना, देखना। यू नीड टू साइन सैमसंग अकाउंट यू वांट साइनिंग, तो हम साइनिंग पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद साइनिंग पे क्लिक करने के बाद में साइनिंग क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे एक बार कोड आएगा भाई, इस बार कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर लेना है आपको, ठीक है, स्कैनर से स्कैन कर लेना है। अब वो कैसे स्कैन करेगा, अब वो देखे जाना, आपको मोबाइल पर स्कैनर निकालना है, इसको ऐसे स्कैन कर लेना आपके मोबाइल से, ठीक है। ये स्कैन हो गया है आपका, स्कैन होने के बाद में डायरेक्ट आपको यहाँ पे साइनिंग टू योर सैमसंग अकाउंट योर अदर डिवाइस, यहाँ पे साइनिंग कर लेंगे आपके मोबाइल से ही। इसमें सिर्फ जीमेल आईडी मांगेगा आपके मोबाइल में, ठीक है, आपकी जैसे जीमेल आईडी, इसको आप ओके कर दोगे यहाँ पे अपने पार्ट। अब देखो साइनिंग हो चुका है, यहाँ पे लिखा सैमसंग अकाउंट साइनिंग इज, जैसे मोहन भागवत के नाम से यहाँ पे मेरी एक जीमेल अकाउंट है, साइनिंग हो चुका है। अब क्या करना है, इतना ही करना है बस, आपको मोबाइल को डन कर देना है। जैसे डन करोगे यहाँ पे इसको कैंसिल कर दोगे, ठीक है। अब देखो फास्ट आपकी वो एप्लीकेशन डाउनलोड होगी। अब कोई सी भी एप्लीकेशन डाउनलोड जो आपको अच्छी लगे वो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल, जो भी मान लीजिए आपके पास नहीं है, बस आपको एक वन टाइम सैमसंग अकाउंट क्रिएट करना है, वो मैंने बता दिया, सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। जो भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी, कोई सी भी एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप करोगे इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल पर क्लिक करोगे तुरंत कैंसिल, कुछ मांगेगा ही नहीं, तुरंत ओनली 10 सेकंड के अंदर सारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। करना क्या था, सैमसंग अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, 32 इंची हो, 43 इंच हो, 55 हो, 65, कोई सी भी साइज़ की टीवी हो, सब में सैमसंग की टीवी में सैमसंग अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, एलजी की टीवी में एलजी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। दोनों की वीडियो मैं बना चुका हूँ, सैमसंग की लास्ट टाइम बना रहा हूँ कि सैमसंग टीवी में हम एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करें। और सुनो, ये सैमसंग की और एलजी की टीवी हैं, इनकी अपनी ऐप स्टोर होती है, और यहाँ पर जो एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं उसके अंदर ऐप स्टोर में वही डाउनलोड कर सकते हो, इसके अलावा कोई सी भी एप्लीकेशन बाहर से डाउनलोड नहीं होगी, ये याद रखना हमेशा, जो सैमसंग के ऐप स्टोर में जो एप्लीकेशन है वही डाउनलोड होगी, ठीक है, थैंक यू। अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आपको देखो ये सैमसंग का 32 इंच का स्मार्ट टीवी है, ठीक है। अब सिंपल आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप सेटिंग, और सेटिंग के अंदर सोर्स का ऑप्शन आएगा, सोर्स के बाद में आपको सर्च कर, सर्च के बाद एप्लीकेशंस का, ये तो ऐप स्टोर है, ऐप स्टोर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पर देखो ये आपका मेल आई डी है, ये पे ऐप सर्च है, यहाँ पर सर्च कर सकते हो, और ये सेटिंग है, सेटिंग के ऊपर जाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपको डिलीट करनी है या ऐड टू होम करनी है, मतलब यहाँ पे है और अब वो आपके होम पे नहीं है, मतलब तो आप इसको ऐड टू होम कर सकते हो, जिसे आप एक डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हो, ये देखो डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, वो डिलीट हो जाएगी, और अगर आपको ऐड टू होम करना है तो एंड टू होम भी कर सकते हो इसको।